नमस्कार नमस्कार देश भारतवासियों, वासियों। कोई बात मेरा नहीं, नाम है देशवासियों, प्रीति। भारतवासियों। मेरा नाम है प्रीति सिंह। तो मित्रों, आज हम लेकर आए हैं मीम्स। मित्रों, बहुत सारे मीम्स। सुनो, सब्सक्राइब कर दो। करें स्टार्ट। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ कन्फेशन है आपसे। कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ कन्फेशन है आपसे। दिल से कह रही हूँ, मोहब्बत हो गई है पीछे दिन है आपके। मजा आया। गरम समझ से बड़े बड़े समझ से। मेरठ का दूल्हा तो जेम्स बॉन्ड निकला। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति दूल्हे की माला की नोट को चुराकर भागने लगा, तो शादी की रस्में छोड़कर दूल्हा चोर के पीछे भागा। चोर गाड़ी से भागने लगा तो दौड़ते लोडर में खिड़की से दूल्हे ने एंट्री मार दी। गोरी क्या ले, लश्करी है क्या, इक्का भाई है क्या? बकचोदी मत करो यार। कैसे तय किया कि आप आईएएस बनेंगे? तय तो हम बहुत पहले कर लिए थे। जिस लड़की से प्यार करे साली वही लॉयल। अच्छा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा? नहीं, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। 5 गर्लफ्रेंड बन गई, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। फिर अंत में एक कॉल गर्ल से प्यार किए। वो दिन में 5 राउंड धोखा देती थी, तो दिल टूट गया उसमें। बस समझ गए यहाँ बदला लेना पड़ेगा इस कॉल गर्ल से। उसके लिए बनने आ गया आईएएस। गॉसिप वर्क्स व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज। मैं कुछ दूंगा, तुम मुझे कुछ दोगी। होली मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलि। ये क्या हो रहा है? मोश मिल रहा है इसे। क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। जैसा कि हम सबको पता है कि बादशाह पाजी ने सेकंड सीजन, थर्ड सीजन जज किया है। इस शो को यहां तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है, और सर क्रेडिट मिलेगा भी, क्योंकि हसल है ब्राउन रंग नहीं। सलमान खान रन। सो आई वाज लाइंग देयर विद माय लेग्स वाइड अपार्ट एंड देन ही टोल्ड मी आई एम ओनली बिलीव ऑन जसप्रीत भाई बिकॉज गेम चेंजर प्लेयर ही इज ओनली वन गाय इज जसप्रीत बुमराह। अय्यर, मतलब यू नेवर लव्ड मी? वो प्रपोज थे, वो सब कुछ एक नाटक था। देखो बबीता, बदलते लोग, बदलते रिश्ते, आओ बदलते रिश्ते। शायद कहीं ना थे पर मौसम जरूर होते हैं। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है कि आपका थोड़ा सा छोटा है? हर लड़के का 6 इंच का नहीं होता ना। अंदर हम सौरभ भाई के साथ दारू पिएंगे और बातें करेंगे, क्यों सौरभ भाई? एब्सोल्युटली, मैं तो हूँ, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ दारू के लिए। तुमने मुझे याद नहीं किया ना? मैंने आपको याद कल आप मैं आपके एक बात शेयर करना चाहता हूँ। एक बात दिल से शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, आपको पता है कल रात को आप मेरे ख्वाब में आई थी। क्या कर रही थी? मना कर रही थी। क्या रहा नहीं जाता। Shrey is asking you out on a date. ओ यार, तू पहला आदमी है यार जिसने मुझे डेट के लिए पूछा है। कसम से, मेरे से आज तक नहीं पूछा किसी ने डेट के लिए। मैं देखो लाइफ भर याद रखूंगा यार। यार पर डेट करा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम लोग ना वो रोमांटिक लवर टाइप के हैं तो। बट कॉफी छोड़, तेरे को दारू पिलाऊंगा यार। दारू बंद ना बता दी। चेक करने का नहीं तरीका। फिर मिलेंगे विक्की। पर सही है, उसने दिल्ली तोड़ा। बच जाइए ना प्लीज। किस कलर की चड्डी पहने हो? 7 days in solitary confinement. 7 days on a deserted island. 7 days stranded on a raft. Yeah, 7 days in an underground city. 7 days in abandoned cities. Oh, Tala for a reason. Andu. Hey, Munna bhaiya, kya haal hai? Munna na bolo humko. To kya bole? Gandu naam hai hamaro. Flag is this? Brazil. Oh, 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 oh,
इनके सैंडल की एड़ी ऊंची, इनके सैया दबाव, समझने वाली बात है। What you listening to, son? I don't think you like it. Well, why not? I like this new generation of music. अगर छोटे छोटे पौधे पर बड़े बड़े पपीते आने लग जाए ना, तो समझ जाना कि मेहनत किसी एक ने नहीं, भारी मजदूरों ने की होगी। Mother of God, it's अपने दोस्त को मैं सरप्राइज देने गई थी और उसके कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। मैंने जाके देखा तो वो मोबाइल पे कुछ अजीब सा देख रहा था। मैंने उससे पूछा क्या देख रहा है, तो बोला कि क्रिकेट देख रहा था। लगता है गेम ओवर हो गया, सारे प्लेयर बाहर आ रहे हैं। वहीं पर रुक जा गंगा और अपने घर वापस लौट जा। चली जाऊंगी, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगर प्यार ही नहीं था तो बिना चड्डी वाले फोटो क्यों भेजा? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। Wait a damn minute. मुझे जुम करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अब आपको बताता हूँ मैं पढ़ाई करने का सही तरीका। पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल वार्म अप एक्सरसाइज करनी है शरीर। जुम करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। ओह माय, वेट अ डैम मिनट। मुझे जुम करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अब आपको बताता हूँ मैं पढ़ाई करने का सही तरीका। पहले आपको उठ के क्या करना है, नॉर्मल वार्म अप एक्सरसाइज करनी है, शरीर को हल्का सा गर्म करना है। जैसे ये वाली एक्सरसाइज कर ली, उससे क्या है शरीर के अंदर चुस्ती फुर्ती है, या फिर गाने सुन लो कान के अंदर लीड दे के 10-15 मिनट। लेकिन एक्सेप्शनल केस भी है, कोई भी दूसरे मेथड का यूज नहीं करेगा, ओनली एक्सरसाइज मेथड में। शरीर को गर्म करना है लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज मेथड से, दूसरे मेथड का यूज नहीं करना। मुझे पता है तुम्हारे दूसरे मेथडों का, ठीक है, वो बड़े खतरनाक मेथड होते हैं, उससे पढ़ाई के अंदर फिर बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और भी दुनी थकान हो जाएगी। तो दोस्तों मैं अभी सैन फ्रांसिस्को में हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ गूगल वेमो। इफ यू सी देयर इज नो ड्राइवर, आई मीन ऑफ कोर्स ये कार अपने आप चल रही है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, देयर इज नो टेंशन व्हाटसोएवर, आई एम जस्ट एंजॉयिंग माय राइड। बट यार ये गाड़ी अगर पुणे में है और अगर कुछ हो गया, ऐसे कौन लिखेगा? जो सीबीएसई बोर्ड की महिलाएं रहती है ना, वो एक ड्रायर रख ले रहती है, भोपू टाइप है ना ड्रायर, बलवा खोल के इसे धुआं मार के होके सुखा देती है, सीबीएसई बोर्ड वाली होती है। और तुम लोग ससुराल लड़की को देख रहा है ना। स्टेफन, जब आप कोई और कर आए तो पीछे जाना है, फिर अपने बैट को एकदम पक्षी की तरह ऐसे घुमा लें। पत्नी पाने के लिए हर युग में प्रतियोगिता होती रही है। त्रेता में धनुष तोड़ना था तो द्वापर में मछली की आंख पर निशाना लगाना था। कलयुग में अब सरकारी नौकरी लेनी पड़ती है। प्यार करते हैं सर, इसीलिए हम उसको, इसीलिए तो उसका टैटू करवा लिया। देखिए ना सर, ये इसमें पूजा कहाँ लिखा हुआ है? सर पहले रेखा लिखा हुआ था, उसका नाम कटवाए, कैसे की ससुरी भाग गई किसी के साथ, फिर हम मोनिका लिखे। अच्छा, अब मोनिका भी ना एकदम किसी की डार्लिंग निकली सर, वो भी भाग गई, फिर हम सलमा पे ट्रस्ट किए सर। अच्छा, वो अपने कजन के साथ भाग गई, खैर उसकी कोई गलती नहीं, लोग बोलते हैं कि चलता है। पुरुष जातियों, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम्हारा हरेसमेंट किया जा रहा है महिला के द्वारा, क्या कर रहे हो उसे? अरे किस कलर की चड्डी पहनी है? अरे ये हाँ सब कौन है? मजाक की बात नहीं है ये, समझो तुम्हारा शोषण हो रहा है सोशल मीडिया पे। पर सोचने वाली बात है ना, क्योंकि अगर यही सेम चीज कोई लड़का करता है ना, किसी लड़की के साथ, मतलब किसी लड़की ना इस तरीके से बोलता कि किस कलर की चड्डी पहनी हो, ऐसे करके कुछ, तो पूरा जो समाज है उसके पीछे पड़ जाता कि भाई ये उसकी आईडी बंद करवा देता, कम से कम उसे 6 महीने की सजा होती और या फिर उसमें फाइन लगता। लेकिन तुम लोगों को मजा क्यों आ रहा है? हाँ भाई, तुम भी करवाओ भाई, पागल, यही पागल है।
इसे हरासमेंट कहते हैं। मेम सबसे ज्यादा वही वाला अच्छा लगा था, अबीना वाला वाला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर यार उसमें उस बच्चे, अब अभी जो न्यू तूने रील दिखाई थी भाई, बहुत बेकार उसके माँ बाप। अब पता है बच्चे पे ना वो आ रही है, दया आ रही है, मतलब उसका बचपना छीन चुके छीन है चुका है। और एक तरीके से ना उसको धकेल दिया गया है लोगों की नफरत के सामने। हाँ। क्योंकि उसके माँ बाप को तो वैसे भी कोई नहीं जानता। हाँ। ठीक है, लेकिन बच्चे को हर कोई जानता है। और उसकी जो लाइफ होने वाली है ना, बहुत खराब होने वाली है, और उसका मेंटल हेल्थ पूरा खराब होगा अगर वो इस, मतलब इस चीज को आगे जाके, मतलब अगर वो संभाल पाया तो ठीक तो है, तो ठीक है, वो बहुत बहुत बढ़िया बात बंदा बन जाएगा इसके बाद। क्योंकि इतना वो झेलने के बाद जो निकलता है वो हीरा ही निकलता है। लेकिन अगर वो नहीं झेल पाया फिर तो बोल दो ही निकलेगा। अभी क्या हनुमान जी का रूप देकर उसे राम राम करवा रहे हैं, मतलब क्या ही लोग हैं। अरे छोड़ो, हम मेम के ऊपर थे ना। हाँ, पुरुष जातियों सुनो, रिपोर्ट मार दो भाई। हाँ भाई, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। हाँ, क्या कर रहे हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Let's sing a song.